संदेश न्यूज कलम की ताकत। और यहाँ से सरपंच पद के प्रत्याशी हैं श्रीमती खुशबू देवी, उनके ससुर हमारे साथ हैं इस समय लाचन जी भंबू, उनसे सीधी बात करते हैं। लाचन जी, सबसे पहले तो हमारा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाचन जी, हम आपसे ये पूछना चाहें कि आपका राजनीतिक करियर कैसा रहा? जी, मैं सन 1972 में बीए किया जी। शिक्षा काल में भी मैं मेरे स्कूल में प्रेसिडेंट आदि का चुनाव लड़ता रहा हूँ। मेरा परिवार जो है सन 52 से जी ग्राम पंचायत में भागी रहे हैं। 1952 में जब चुनाव पंचायत राज बना जी, उसके बाद मेरे बड़े बाप श्री टिक्कू राम जी सबसे पहले इस ग्राम पंचायत के सरपंच बने। उस वक्त हाथ खड़ा करके जो है निर्वाचन होता था, उसमें भी हमारे पिताजी को लोगों ने बड़ा मतदान दिया और उनके विश्वास किया। 1978 में मैं सबसे पहले ग्राम पंचायत का सरपंच बना। मेरा क्वालिफिकेशन जो है डूंगर कॉलेज से बीए किया हुआ है। सबसे पहले मैं जब सरपंच बना तो उस टाइम मैंने गांव के लोगों की समस्याओं को सुना। यहाँ हमारे पीने के पानी के लिए भी गांव वालों को अपने ऊँटों पे चोखड़ डाल करके नहर से पानी लाना पड़ता था। तो सबसे पहले मैंने इस गाँव के अंदर वाटर वर्क्स लगवाया और गाँव में पाइपलाइन बिछवाई और वहाँ जो है गाँव के मेरे पूरी पंचायत के लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था की। ग्राम कालूसर जो मेरी इसी पंचायत क्षेत्र का ग्राम है, उस ग्राम में प्राइमरी स्कूल नहीं था जी। तो जब मैं 78 में सरपंच बना तो पहली बार जो है मैंने वहाँ एक प्राइमरी स्कूल खुलवाया और एक टीचर की व्यवस्था करवाई। उसके बाद सन 83 में इलेक्शन हुए, सन 88 में इलेक्शन हुए, तो मैं दूसरी बार सन 88 में इसी पद पर फिर मैं सरपंच बन गया जी। 1988 के अंदर जो मेरे ग्राम पंचायत के अंदर जो पीने के पानी की जो समस्याएं थी वो पूर्ण की पूर्ण रूप से मैंने घर घर कनेक्शन करवाए और घर घर पाइपलाइन बिछवाई। लोगों की जमीनों का मामला था जी, कि आवंटन नहीं था, खाताधारी अधिकार नहीं थे, भूमि विकासकार थे, उनमें भी मैंने जो है हमारी कॉलोनाइजेशन एरिया का क्षेत्र था तो उनमें गरीब लोगों को जिन छोटे छोटे जो टुकड़े थे उनको स्मार्टपेज में आवंटन कराया, भूमि इन लोगों को जो है जमीनें उपलब्ध कराई और उनके विकास के लिए नहरों के लिए जो खाड़े नहीं बने हुए थे उनके पक्के खाड़ों का निर्माण करवाया। मेरे ग्राम पंचायत में पंचायत घर भी नहीं था जी, तो जब मैं 1988 में सरपंच बना तो पंचायत घर का भी निर्माण करवाया। और दूसरे मेरे क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार के ये घर के जो पट्टे नहीं थे जी, उन सब पूरी पंचायत के अंदर मैंने 50 रुपये में स्वर्ण जाति को और 25 रुपये में हरिजन जाति को जो जहाँ था जितना उनका कब्जा था उनके निवास के लिए मैंने पट्टे जारी किए। उसके बाद पंचायत हमारी छोटी हो गई। 1995 में मेरी जो घरवाली जो है गीता देवी, उसने चुनाव लड़ा और हमारे सामने हमारी एक भतीजे की पुत्रवधू भतीजे की बहू रामी देवी ने चुनाव लड़ा। रामी देवी जो है वो चुनाव जीती और मेरे घरवाली जो है चुनाव हार गई। 2005 में फिर मैं चुनाव जो है हमारी सीट जो है सामान्य आई, मैंने चुनाव लड़ा, उसके अंदर भी लोगों ने मुझे भारी मत से जिताया और मोरे मेरे पर विश्वास किया। मेरी उम्र जो है 70 वर्ष की है। पंचायत राज में मेरा अनुभव रहा है, आज से जो है 40 वर्ष से मैं पंचायत राज में रहा हूँ। मेरे पंचायत में जो भी जहाँ भी कैसी भी समस्याएं हुई उन समस्याओं को मैं तत्व से उनका निराकरण किया। प्रेम से एक जाजम पर बैठकर सब लोगों को साथ लेकर मैंने विकास का काम हो, गांव में किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मैंने ग्राम पंचायत के एक जाजम पर बैठकर सब लोगों का सहयोग लेकर उन समस्याओं का समाधान किया और उन लोगों का राजीनामा करवाया। मेरे क्षेत्र के अंदर मैंने किसी प्रकार का कोई भी मतलब पुलिस थाने में बहुत कम नाम मात्र के
जो छोटे मोटे मुकदमे हुए उनको भी मैंने राजीनामा करवा करके उनको सुटवाया। यहाँ के जो नवयुग आजकल शिक्षा का जो साधन है, अब पढ़े लिखे नवयुग हैं, हमारे जो नवयुग महिलाएं हैं, इन सबको मद्देनजर रखते हुए मैंने अब की बार मेरा मन बनाया कि मैं मेरी पुत्र वधु को यहाँ से ग्राम पंचायत का उम्मीदवार बनाऊँ। मेरी पुत्र वधु भी राजनीतिक जीवन से जो है, इनका परिवार भी राजनीतिक जीवन रहा है। मेरी पुत्र वधु की जो हुआ है जी, वो हुआ जो है गढ़साना पंचायत समिति की प्रधान रह चुकी है श्रीमती सरोज लेगा, तो वो भी जो है राजनीति से जुड़ी हुई है, एमए पास है, पढ़ी लिखी है, नवयुग है, स्वच्छ है। और मेरी इच्छा बनी कि महिलाओं को आगे लाने के लिए, जबकि हमारी ये सामान्य सीट है जी, तो इन महिलाओं को आगे लाने के लिए और नवयुगों को आगे लाने के लिए तो मतदाताओं की इच्छा अनुसार मैंने जो एक नवयुग उम्मीदवार जो खड़ा किया है। आपने इस बार अपने पुत्र वधू खुशबू देवी को मैदान में उतारा है, तो आपका घोषणा पत्र क्या रहेगा? मेरा ये घोषणा पत्र ये है कि मेरे गांव में एक सोमासर माइनर बना हुआ है, जो टेक्निकल गलती की वजह से जो है उसका जो टैर है वो कम से कम जो है 5-6 फुट नीचा गिर गया, जिसकी वजह से मेरे उसके अड़ोस पड़ोस की जितनी जमीनें थी वो असिंचित रहेगी। तो मैं इस नहर का, इंदिरा गांधी मुख्य नहर का उपयोगिता संगम का मैं अध्यक्ष हूँ, वितरण समिति का मैं चेयरमैन हूँ, और हमारे इंदिरा गांधी मुख्य नहर के सूरतगढ़ खंड के उपयोगिता संगम के अध्यक्षों का मैं चेयरमैन हूँ, यूनियन का अध्यक्ष हूँ। मैंने इसके संबंध में जो टेक्निकल अधिकारी हमारे सिंचाई विभाग का अधिकारी है उनसे निवेदन कर इसका तखमीना बनवाया है जो करीबन 2 करोड़ का है। मेरी सबसे पहले जो ये होगा इस नहर को ऊंचा कर, इसकी टैब को सही कर, इसकी लेंथ को बढ़वाकर जो मेरे क्षेत्र में काबिल सिंचाई योग्य भूमि है उनको सिंचाई का पानी दिलवाऊंगा। सर, सरकार के द्वारा, हाँ जी बोलिए। दूसरी मेरी जो इच्छा है कि यहाँ के पिछले श्रीमती हमारी जो पुत्र वधु ही है, राजपाला जो हमारी सरपंच रही थी, उन लोगों से ये भूल हो गई कि ये जो आज खाद्य सुरक्षा का मसला है, खाद्य सुरक्षा एक ऐसी योजना है जिसमें हर परिवार का जुड़ना अति आवश्यक है। उन्होंने जो है मेरी पंचायत के लोगों को खाद्य सुरक्षा से नहीं जोड़ा। मेरी ये घोषणा है कि हमारी पुत्र वधु सरपंच विजय होती है तो मैं सबसे पहले नहर का, दूसरा जो मेरा घोषणा है वो यहाँ के समस्त काश्तकारों को खाद्य सुरक्षा से जुड़ाऊंगा ताकि उनको इस सुरक्षा का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। और सेंट्रल सरकार और जो राज्य सरकार के द्वारा और भी जो योजनाएं हैं जो आज तक नहीं मिली, उन कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका आप ग्रामवासियों को फायदा होगा? ये क्या है कि जैसे सेंट्रल सरकार की योजना है कि लोगों को जो आवास के लिए जो है मकान दिलाए जाए, ये जो है लोन दिलाए जाए, भेड़ बकरी का लोन दिलाया जाए, ऊंट गाड़े का लोन दिलाया जाए, छोटे छोटे किसानों को मुफ्त में आवास का पट्टा दिया जाए। इसके अलावा जो जमीन की हमारी यहाँ की दिक्कतें हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं कि जिन लोगों की जो पैमाइश नहीं हुई है, फिटिंग नहीं हुई है, उनको फिटिंग करवाकर, तरमीम करवाकर, उन लोगों को सही स्थान बताकर उन जमीन को तरमीम करवाया जाए, करवाऊंगा। और जो हमारे भूमिहीन काश्तकार हैं जिनके पास किसी प्रकार की कोई जमीन नहीं है, मेरी यहाँ काफ़ी जो है रकबा राज भी है, और भी जैसे कुछ इनलीगल जो है वन विभाग ने कर गए, उनसे निवेदन कर मैं समस्त काश्तकारों को जो हमारे यहाँ क्षेत्र के नवयुवक हैं, भूमिहीन हैं, उन लोगों को भूमि दिलाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा जो हमारे ये जो सरकार की योजनाएँ आती है, आपके डेयरी की है, कोई उद्योग आदि खोलने की है, मतलब रोजगार देने की जो योजना है, जितने भी रोजगार देने की जो योजना है, उन रोजगार योजनाओं को लोगों को समझाकर, उन लोगों को बताकर, उनके साथ घूमकर उन योजनाओं का, संपूर्ण योजनाओं का, भारत सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, इन सब से मैं पूर्णतः लाभ उठाऊंगा। आने वाले 3 तारीख को मतदान जी, आप मतदाताओं से, समाज सर के जो मतदाताओं से क्या अपील करना चाहूंगा? मैं मेरे परम बुजुर्ग जवान महिलाएं, इन सब से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि, और इनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि खुशबू देवी को ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर
जो हमारा निशान है अनवारी का उस पर मोहर लगाए और ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाए। और मुझे पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मेरे ये मतदाता मेरी पुत्रवधू को बहुत ज्यादा वोटों से जिताएंगे, जो एक रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आपने हम सब समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका स्वागत। ये थे जी आज हमारे साथ सोमा सर, ग्राम पंचायत सेंसो सरपंच पद के प्रत्याशी हैं कुसुम देवी, उनके ससुर लालचंद जी बांबू साहब। देखते रहिए किस संदेश न्यूज। जी नमस्कार, मैं खुशबू बांबू ग्राम पंचायत सोमासर से सरपंच पद की उम्मीदवार। आप सभी ग्रामवासियों से, सभी बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं से मेरा अनुरोध है, विनती है कि 3 अक्टूबर मतदान के दिन 2 नंबर चुनाव चिन्ह अलमारी पर अपनी मोहर लगाएं, बटन दबाएं और अपनी भारी मतों से मुझे विजय बनाएं। आपका आशीर्वाद दें। पंचायत समिति सूरतगढ़ की एक बड़ी ग्राम पंचायत सोमासर में हमारी टीम पहुंच चुकी है और यहां की ग्राउंड रिपोर्ट, यहां की पब्लिक क्या चाहती है, किसे चाहती है, किसको चुनना चाहती है और यहां के अहम मुद्दे क्या है, इस पर बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा ओपनिंग पोल। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। आपका नाम सर? मेरा नाम लालचंद। लालचंद जी, आप किस तरह का विकास चाहते हैं अपनी ग्राम पंचायत में, किस तरह का सरपंच होना चाहिए आपका? आप हमारे ग्राम में सरपंच है, ठीक है, बढ़िया होती है, ठीक है ना, विकास करना होगा, विकास करने वाले सरपंच की यहाँ जरूरत है। अहम मुद्दे क्या है इस ग्राम पंचायत के? कसी है, खड़ा है, नंबर ठीक है, पंचायत के माँ जगह बड़े कणक बांटने वाला। जी जी, कार्ड है बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा। हाँ, जी जी जी, ये मिलाना, ये बात बहुत बहुत अच्छे विचार। या खाद्य सुरक्षा में से जो लोग कम जुड़े हुए नजर आ रहे हैं तो इनके लिए मांग उठती हुई नजर आ रही है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका परिचय? मैं संग्राम बाबू जी, पूर्व प्रधान पंचायत समिति सूरतगढ़ जी। प्रधान जी, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है और इस गांव से, यहां से प्रधान रह चुके हैं, तो आपको किस तरह का विकास चाहिए, किस तरह का सरपंच होना चाहिए आपकी नज़र? हमारे यहां विकास की काफ़ी ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमारी ग्राम पंचायत के अंदर जो सोमासर ग्राम की आबादी है जी जी, वो रिकॉर्ड के अंदर सिर्फ 92 बीघा है, जबकि गांव बसा हुआ है 9 मरवम 225 बीघे में जी। तो ये सबसे पहला हमारा ये लक्ष्य है कि हमारी जो छोटे भाई की घर से है वो सरपंच अगर बनते हैं तो उनके आबादी के संबंध में जो हमें करना है वो पहला काम हमारा ये होगा कि आबादी स्वीकृत करवाएं। जी जी बिल्कुल, आबादी स्वीकृत कराने की यहाँ जरूरत है, पब्लिक बढ़ चुकी है, समय अनुसार हर जगह परिवर्तन होना जरूरी है। प्रधान जी फिर कुछ बोलना चाहते हैं, ऐसा कुछ बाकी रह गया? जी प्रधान जी फरमाइए। हाँ जी, हमारे यहाँ सन 1998 के अंदर एक आउटलेट जो 191 आरडी का मौका लगवाया था, उस मौके के अंदर अभी तक हमारे पक्का खाला नहीं बना है जी। तो मेरा यही है कि हमारे अगर ये बहू जो है सरपंच बनती है तो उस मौके को हम आगे पक्के खाड़ा बनाकर और विकास करवाएंगे, जिससे कम हमारे ग्राम के 50 मरबे जो सिंचित होंगे और इसके साथ साथ हमारे 1 SMR 2 3 4 SMR चक जो है उन चक्कों के अंदर जो खाड़े बने हुए थे वो सारे टूट गए हैं, जर्जर हो चुके हैं, किसान बड़े परेशान है। अगर हमारी बहू अगर सरपंच बनेगी और लोगों का आशीर्वाद होगा तो सबसे पहले हमारा यही होगा कि किसानों के फायदे के लिए वो सारे खाड़े जो है हम जल्दी से जल्दी पक्के कराएंगे और जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधान जी, यहाँ जो खाड़े के अध्यक्ष होते हैं वो फिलहाल कौन है? हमारे अध्यक्ष ये पूर्व जो हमारे चाचा जी हैं सरपंच है, आज मौके पर वो अध्यक्ष भी हैं, पर इसके अंदर वो खाड़ा बनाने में नाकाम इसलिए रहे कि पिछली जो पंचायत थी वो हमारे से अलग ग्रुप से थी जी जी। तो उन्होंने नरेगा के तहत उनको सहयोग नहीं किया, इस वजह से वो खाड़े जो है पक्के नहीं बन सके। बिल्कुल, सहयोग के बगैर कुछ नहीं होता, हाथ मिलकर धुलते हैं और सहयोग एक दूसरे का होना चाहिए। उमेश जी, आप युवा हो और युवा की नज़र में कैसा सरपंच प्रतिनिधि चाहिए आपको? जी, विकास पुरुष हो, शिक्षित हो और खेल कूद सभी के बारे में सामान है और सबसे बढ़िया शांति प्रिय होना चाहिए, गांव में छोटे मोटे मुकदमे वगैरह हो यहीं पे निपटारा करवाए गांव में, सर्व शांति से सभी करो। बिल्कुल, और कुछ ऐसी समस्याएं
जो आपकी नज़र में है और आप उस समस्या का समाधान चाहते हैं जो बहुत पहले से चलती हुई आ रही है, ऐसी कुछ समस्या है? जी, अपने डाड़ियों में रहते हैं तो वहाँ पर स्वस्थ मतलब पेयजल की अभी तक सुविधा नहीं है, तो वो सुविधा हो जाए। कई रास्ते जो बंद है सरकारी है वो भी बंद पड़े अभी, तो वो चालू हो जाए तो अच्छी सुविधा। क्या रीजन क्या उसका, क्यों क्यों बंद पड़े, कितने वर्षों से बंद पड़े हैं? जी वो मतलब 15-20 साल पुराने मंजूर शुदा है पर वो बंद हो चुके हैं, तो इसलिए मतलब सरपंच है जो खास कदम उठाए जिसकी वजह से प्रशासन अवगत करवाए और रास्ते दोबारा चालू। बिल्कुल, इस ग्राम पंचायत में कुछ जो बंद रास्ते हैं उनको खोलने की भी मांग उठ रही है, आपको क्या उम्मीद है? अगर सरपंच साहब को यहाँ की पब्लिक इनके पुत्र वधू को यहाँ का ताज पहनाती है तो आपके लिए क्या कार्य करेंगे? जी हमें उम्मीद है, इसलिए हम सेवक के लिए डटे हुए हैं। पटी जी, आपकी ग्राम पंचायत में कैसा सरपंच होना चाहिए? खुश रहो, पढ़ी लिखी सरपंच जी, पढ़ी लिखी सरपंच की यहाँ जरूरत है। किस तरह के विकास की उम्मीद है? सारे विकास, सारे जिम्मेदारों में सारे विकास। आज यहाँ किस तरह के विकास की जरूरत है आप देख रहे हैं, किस कौन कौन से काम की कमियां हैं? स्कूल वो है, पानी वो है, बाथ वो है। आपके गांव में लड़के और लड़कियों के साथ में पढ़ाया जाता है? आपका परिचय? पवन कुमार बहादुर सर जी। बहादुर साहब जी, आपको किस तरह का सरपंच चाहिए, किस तरह का सरपंच होना चाहिए इस ग्राम पंचायत का? विकास करना चाहिए सर। खुशबू देवी से आपको किस तरह की उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, खाद्य सुरक्षा है, शौचालय बहुत हमारे गाँव में सब जुड़ा है, कोई भी मकान है वो मिले जुड़ा है। कितने शौचालय बन चुके हैं? शौचालय तो सर मैं बहुत कम बन चुका है, बहुत कम बना है, बहुत घरों में शौचालय नहीं पहुँचे सर। एक ऐसी ग्राम पंचायत अगर पंचायती राज मंत्री देख रहे हैं तो मोदी सुनिए, सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सोमा सर जो पंचायत ODF घोषित हो चुकी है, लेकिन यहाँ की पब्लिक क्या कह रही है, यहाँ की हकीकत क्या है, सुनिए इनकी जुबान। कितने सोचे सर, किस वजह से नहीं मिले आपको पता है? विरोध की सरकार से यह सर पार्टीबाजी जी जी बिल्कुल। तो और भी रास्ते होते हैं, अगर यहाँ सरपंच नहीं सुनता तो ऊपर भी जा सकते हैं, प्रधान है, VDO है, CEO है, जिला कलेक्टर है, वहाँ तक नहीं गएगा? अभी किस तरह का विकास चाहिए आप, किस तरह की उम्मीद है? अभी बहुत बढ़िया उम्मीद है सर, इसको बहुत फुल से जिताएंगे हम। जी जी, विकास होगा, विकास होगा। क्या लग रहा है आपको, कैसी जीत होगी? बहुत बड़ी जीत होगी सर, कार तोड़ जीत होगी। एक तरफा माहौल लग रहा है? एक तरफा बिल्कुल, यहाँ एक तरफा माहौल बहादुर साहब को नजर आ रहा है। आगे बात करने की कोशिश करें, संतराम जी भादू, आज तो भादुओं की लहर चल रही है, जहाँ देखो वहाँ भादू ही भादू और भादुओं का जादू। जी सर, जी सर, इनसे जो यहाँ सरपंच प्रत्याशी है इनसे आपको क्या बोलना है? बढ़िया सर, बढ़िया है। किस तरह का विकास होगा? बढ़िया होगा विकास, बढ़िया मतलब बढ़िया काम, बढ़िया जोरदार होगा, बढ़िया मतलब जोरदार होगा, जोरदार मतलब बढ़िया होगा। मंदिर कहाँ? विद्यालय के पास, विद्यालय कहाँ? मंदिर के पास। आगे बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर नमस्कार, आपका नाम? महावीर जी गिल, महावीर जी गिल्ला। जी 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 जी, महावीर जी गिल्ला। गिल्ला साहब, आपको किस तरह का सरपंच चाहिए इस ग्राम पंचायत? मैंने सरपंच इसे चाहिए देखो, दलाल ने पाड़े बिचारा ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਗਜ਼ ਖਾਤਰ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਈ ਸੰਤਾਮ ਨੇ ਲਈ ਜਾਂ ਵੀ ਨੇ ਲਈ ਪਕੜ ਗਏ ਬਹੁ ਆ ਸੀ ਜਨਾ ਕਰਚਾ ਸੀ ਤੋ ਸਾਫ ਤੇ ਮੰਨ ਜੀ ਮਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੋ ਨੇ ਮੰਨ ਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਂਚ ਸੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਨੇ ਆਪ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਪੀੜੀ ਤੋ ਹਾਂ ਪੀੜੀ ਤੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਮਾਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਲੜਕਾ ਆਦਮੀ ਮੇ ਲਗਾਤਾ ਔਰ 9 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਣੇ ਮੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੁਵਾ ਕੋ ਨੌਕਰੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਮਿਲ ਜੀ अभी आपका बच्चा लग चुका है? हाँ, जी जी, आपको बधाई हो। आगे बात करने की कोशिश, गिरधारी जी बोलो बोलो बोलो, आपको किस तरह के विकास की जरूरत है इस ग्राम पंचायत में और कैसा सरपंच होना चाहिए? साहब अच्छा पढ़े लिखा शिक्षित सरपंच जी, कोई गांव के अंदर विकास करावा है, बाकी कोई खाड़ा हुआ है, कसी हुआ है, यानी खेत है, रस्ते हुआ है, यानी कोई जमीन जागे हुआ है, तो जिम्मेदार को तो कोई है इनमें मान्यती है पढ़े लिखे
मतलब लड़की या खुशबा है हमारा मतलब बहुत बढ़िया समझदार लड़की है। जी जी बागरे जी, बागरे जी आप किस पद पर हो? सोसाइटी में अध्यक्ष हो। आपकी नज़र में किस तरह का सरपंच होना चाहिए इस ग्राम पंचायत का? जी पढ़ा लिखा हो, आपके ग्राम पंचायत का विकास हो, और कोई उम्मीद सरपंच से? जी 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 बिल्कुल, सरपंच आपको खाड़े दे सकते हैं लेकिन कस्सी आपको घर से लानी पड़ेगी। तो ग्रामीणों को अलग अलग उम्मीद है, अलग अलग चेहरों से अलग अलग मांगे निकल कर सामने आ रही है। जरूरत है ग्राम पंचायत को विकास की, और इन ग्रामीणों को उम्मीद है कि अगर इस सरपंच प्रत्याशी को हमने चुना तो यहाँ विकास होगा, विकास की गंगा बहेगी। बाकी देखते रहिए क्रिश मीडिया पर पूरी ग्राउंड रिपोर्ट ग्राम पंचायत सोमासर की। सहयोगी बजरंग सिंह और भवानी शंकर के साथ मैं पीएन योगी।